नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले कक्षा दसवीं का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कार्यपत्रक 10 है और यह 28 जुलाई 2021 के लिए है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज भी हम क्या गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, जो कि गद्यांश बेहद ही आसान है और बहुत ही अच्छा सा गद्यांश है ये, जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड है। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती है, यानी मनुष्य के अंदर सद और असद, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, यानी कहिए आलस और आलस का त्याग करना, वो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है, यानी कि सुखद मनुष्य जीवन के लिए जब हमारे अंदर जो गलत व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, बैड हैबिट है, उसको हमें साइड करना है, ठीक है, और तब जाकर के हमारा सुखद मनुष्य जीवन आवश्यक होगा सद वृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावशाली ढंग से संपन्न करता है, यानी साहित्य यानी लिटरेचर यानी समाज का जो दर्पण है, वो इसे बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है, मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है और सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते हैं। यानी सत्य को हम जो है ना रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते हैं। यानी साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। यानी कोई इंसान अगर पोएम लिखता है, कोई इंसान अगर कहानी लिखता है, तो उसकी मस्तिष्क की वस्तु नहीं है, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आवश्यकता से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उस घर से जुड़ जाता है। यानी प्रत्येक प्राणी स्टूडेंट अपने को उस घर से जुड़ जाता है, ठीक है, उस घर से जो परमात्मा का घर होता है, उस घर से जो क्रिएटिव माइंड होता है, उस घर से जो बच्चे जो भी लेखक होते हैं उनके दिमाग, उनका जो माइंड होता है शार्प होता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है, यानी साहित्यकार जो है ना अपने देश में चल रही घटनाओं से प्रभावित होता है और युग की भावना उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य की भावना हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिंतन भाव है। यानी कि डियर स्टूडेंट, क्रोध और भावना, क्रोध और द्वेष, आशा और मनुष्य के शाश्वत और चिंतन भाव है। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है, जो कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य जिसमें हमने इस पर देखा था, जो मुंशी प्रेमचंद्र है, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जैसे फणीश्वरनाथ रेणु है, ठीक है, तो ये बहुत सारे लेखक हैं। चलिए, इसमें बेहद ही खास प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही आसान सा है डियर स्टूडेंट। इस प्रश्न को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है साहित्य, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है साहित्य की किस विद्या में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता, अपने मन में किसी कहानी कविता का निर्माण कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं आगे। चलिए, तो उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है, तो दो प्रकार की मनोवृत्तियों मनुष्य में है, सद और असद, इनकी बात की गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है, तो दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, जो हमारे अंदर बैड हैबिट है उन पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित शब्दों हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध के साथ अर्थ लिखिए। तो हर्ष क्या होता है, खुशी उल्लास, ठीक है, हर्ष का आप क्या कर सकते हैं, खुशी उल्लास लिख सकते हैं। विस्मय का आश्चर्य, अचंभा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, द्वेष का क्या होता है, शत्रुता और बैर, यानी किसी से घृणा कर लिए, शत्रुता कर लिए, दुश्मन बना लिया, ठीक है। क्रोध का होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे गुस्सा, क्या लिखेंगे, गुस्सा, क्रोध का गुस्सा होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, साहित्य
कार शब्द साहित्यकार से बना है, कार प्रत्यय लगाकर चार ऐसे शब्द बनाइए। तो इतिहासकार इतिहास जोरकार इतिहासकार, उपकार उपजोरकार उपकार, प्रोपकार प्रोपजोरकार प्रोपकार, तिरस्कार तिरस जोरकार तिरस्कार। तो ये हमने चार शब्द बना दिए आपके लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। साहित्य की किस विद्या में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता? अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण करें। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है, और फिर भी आपके हेल्प के लिए मैंने जो है ना लगा दिया है, बता दिया है, ठीक है। तो मुझे जो है ना स्पेशली डियर स्टूडेंट, साहित्य की जो विद्या है उसमें कविता में काफ़ी इंटरेस्ट है, जो कि मैंने जब मैं 2014 में जब मैं ग्रेजुएशन में था, ठीक है, 2014 में ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स था मेरा, ठीक है, उस समय मैंने जो है ना ये पोएम लिखा था, ठीक है, शिक्षा संदेश, ठीक है। तो इस पोएम में को मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए दिया, प्रोसा है, ठीक है, इस पोएम को से आप भी प्रेरणा लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए मेरा नाम भरत चौधरी है, बी ए ऑनर्स अंग्रेजी प्रथम वर्ष जब मैं था 2013 में तभी का है, ठीक है। तो चलिए, मुझे कविता में है तो शिक्षा संदेश मैंने लिखा था। उस शिक्षा में क्या रखा है, जो काम किसी के ना आ सके हम उसको शिक्षित नहीं कहते, जो गिरे हुए को उठा ना सके। ये मेरा लाइन बहुत ही अच्छा सा मैंने फ्रेम किया था, यानी उस शिक्षा में क्या रखा है डियर स्टूडेंट, जिस जो किसी के काम ना आ सके हम उसको शिक्षित नहीं कहते, जो गिरे हुए को उठा ना सके। दया करो पर दया का पात्र बनना ना जीवन में कभी, इतना ऊंचा उठो जीवन में नमन करे तुम्हें सभी। क्योंकि आप अपने लक्ष्य को इतना अच्छे से प्राप्त करिए ताकि आपको दुनिया सलाम करे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, चलो आज वादा कर ले दुख में भी मुस्कुराएंगे, मिटने ना देंगे कभी खुशी को, खुशी पर हम मिट जाएंगे। आज खुद से हम वादा करते हैं कि दुख में भी मुस्कुराएंगे, दुख में भी मुस्कुराएंगे और खुशी को कभी जो है ना मिटने नहीं देंगे, हम खुशी पर मिट जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, जैसे कि लक्ष्य नहीं जब तक जीवन में, जीवन का कोई सार नहीं, यानी जब तक हम एम नहीं अपने लक्ष्य का करते हैं, अपने जीवन का कोई सार नहीं होता। अपना लक्ष्य बनाकर भेदो क्योंकि तुम लाचार नहीं। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहे। थैंक यू, बाय बाय।